मध्य प्रदेश के खरगोन में इन दिनों मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। लोगों को कभी बारिश तो कभी तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। जिला अस्पताल में ओपीडी 800 के पार हो चुकी है। मौसमी बीमारियों के साथ खरगोन में डेंगू के साथ डायरिया ने भी पैर पसार लिए हैं। बीते एक माह में 700 से ज़्यादा डायरिया और 30 से ज़्यादा डेंगू के मरीज पाए गए हैं। जिला अस्पताल में पदस्थ MD मेडिसिन डॉक्टर मयंक पाटीदार ने लोकल एटिन को बताया है कि ज़्यादातर मरीजों को उल्टी, दस्त और बुखार की समस्या बनी हुई है। मरीजों के परीक्षण के बाद इलाज किया जा रहा है। कुछ मरीजों में डायरिया और डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं, जिन्हें अलग वार्ड में रखकर इलाज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक पांडे और इस समय हम मौजूद हैं खरगोन के जिला स्वास्थ्य केंद्र परिसर में, और इसलिए क्योंकि इस समय मौसम बदल रहा है खरगोन का और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस समय खरगोन में देखा जा रहा है कि डायरिया के सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं, साथ ही डेंगू के मरीज भी बढ़ रहे हैं। जैसा कि डॉक्टरों के अनुसार माने तो पिछले एक महीने में खरगोन के जिला अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में करीब 750 से ज़्यादा डायरिया के मरीज आ चुके हैं और डेंगू के 30 से ज़्यादा मरीज पाए जा चुके हैं। मरीज सामान्यतः सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या लेके आ रहे हैं और कुछ मरीज दस्त के भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज वही है, सर्दी खांसी के पेशेंट बड़े हुए काफ़ी। जो सामने आ रहा है कि इस समय डायरिया के मरीज काफ़ी बढ़ रहे हैं और डेंगू के पेशेंट नज़र आ रही है। कुछ सीजनल बीमारियाँ होती है, जैसे सर्दी खांसी वगैरह, इसके पेशेंट बड़े हुए हैं और कभी कभी कुछ पेशेंट खान पीन में कुछ खराबी आ जाने के कारण भी आते हैं, तो दस्त के पेशेंट भी आने को मिलते हैं। डायरिया में दस्त लग जाना, पानी की प्यास लगना, है ना, उल्टी होना, ये उसके सिम्टम होते हैं, और तेज बुखार आना, सिरदर्द आना, ये सब सामान्यतः डेंगू के लक्षणों में देखने को मिलता है। मौसम चेंज के कारण सामान्यतः ज़्यादा बीमारी देखने को मिल रही है। तो मास्क पहने, सर्दी खांसी के मरीजों से दूरी बना के रखें, और सामान्यतः यदि आपको लग रहा है कि कोई बीमारी लग रही है, जैसे बुखार आ रहा है या फिर कोई भी दस्त लग रहे हैं, तो जो जिला अस्पताल में आकर उपचार कराएं और प्रॉपर डॉक्टर से इलाज करें। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनोज पाटीदार ने लोकल एटिन को बताया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए सर्वे में 1200 डेंगू टेस्ट में 30 से ज़्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। मलेरिया के 232,000 से ज़्यादा टेस्ट में 2 मरीज संक्रमित मिले हैं, जबकि ज़िले में लार्वा सर्वे के दौरान 412,755 घरों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें 3,536 स्थानों पर लार्वा पाया गया है।